हमसे कह रहे हाफ द पेरिमीटर। एक तो चीज ये ध्यान रखा कीजिए कि क्वेश्चन जो है किसके बारे में है। तो क्वेश्चन इज अबाउट रेक्टेंगल, तो अगर अबाउट रेक्टेंगल है तो थोड़ा सा जहन में आपके रफ चलना चाहिए कि रेक्टेंगल ऐसे होता है, ये उसका बेटे लेंथ होता है, ये उसका बेटे ब्रेथ होता है, यहाँ एरिया इन्वॉल्व है या पेरीमीटर इन्वॉल्व है। ये देखिए एरिया होता है रेक्टेंगल का, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी आएगा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन एक और आएगा एरिया का। और जो पेरीमीटर होता है बेटे, पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री। तो यहाँ पे अगर ये साइड लेंथ है, ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, तो टू टाइम लेंथ आता है, टू टाइम ब्रेथ आता है, तो ट्वाइस एल प्लस बी होता है। तो सबसे पहले चीज ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखा कीजिए कि क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में है, और उसकी फिर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे को नहीं होता तो वो वहीं पे इंटरेस्ट सारा खत्म हो जाता है कि मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही पेरीमीटर कितना होता है। अब क्योंकि अगर ये मालूम हो गया, अब हम करेंगे, तो हमारे पास क्या है, हाफ द पेरीमीटर। तो पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन है, दूसरा फिर इसका मैंने आपसे कह रहा हूँ कि हाफ द पेरीमीटर ठीक है इज 36 वेयर लेंथ इज 4 मीटर ब्रेथ मोर देन ब्रेथ। तो अब हमारे पास अगर हम इसको टू वेरिएबल में कंसिडर करेंगे तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि लेट लेंथ बी एक्स ब्रेथ बी वाई, ये हमारे पास हो गया। तो पेरीमीटर हमारे पास आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो केस सर, 1 में जी। ये हाफ पेरीमीटर 36 दिया था ना, तो मैंने पेरीमीटर को 72 कंसिडर कर लिया। बेटे वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना, लेकिन केस आपका हाफ पेरीमीटर है, तो अच्छा है अगर आप उसी तरह से लिखें जिस तरह से स्टेटमेंट गिवन है। ओके सर, ओके। अदरवाइज टीचर ये कंसीडर कर सकता है कि 72 गिवन नहीं था, आपने कहां से लिया, तो आपको हाफ मेंशन ही करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहे बेटे कि आप कभी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको 72 दिखाना है तो लिखना पड़ेगा, हाफ पेरीमीटर इज 36, दैट्स व्हाई पेरीमीटर इज 72। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा प्लीज। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया लेंथ भी एक्स ब्रेथ भी वाई। तो हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं, केस 1 ठीक है हाफ पेरीमीटर इज 36, लिखना चाहें इसको लिखें नहीं तो नहीं सही। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ एक्स और वाई लिया हुआ है, 4 + x नहीं लिया हुआ है, इज इक्वल टू 36। अब हमारा क्वेश्चन टू वेरिएबल में शो हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। केस 2, केस टू क्या है बेटे, हूज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ये सेकेंड केस है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो यहां सब्स्टिट्यूशन से काम चल जाएगा, पुट इन 1, तो इसको आप 1 में पुट कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 4 + y + y इज इक्वल टू 36, तो 2y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसको 2 में रखिए जहां से हमें x निकालना है, तो x हमारा आएगा 4 + 16। 4 + 16 क्या होता है जी, 20। That's it. तो ये हमारे पास इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं।